circuit analysis EL202 unit number 3. unit number 2 में मैंने आपको nodal और mesh analysis के बारे में समझाया था. आज अपन लेते हैं unit number 3. unit number 3 क्या है? network theorems. इसमें different type की network theorems हैं. तो किसी दिए हुए circuit में कौन सी network theorem लगानी है, कहाँ पे लगानी है और कैसे लगानी है, आज अपन पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में. तो पहले मैं आपको बताता हूँ, उनमें से एक है सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम में जो दिया हुआ सर्किट है उसमें दो या दो से अधिक वोल्टेज या करंट सोर्स हो और उस सर्किट में किसी एक ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालने के लिए यदि आपको पूछा जाता है तो उस केस में अपन सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं. उस सर्किट में किसी एक ब्रांच में या एक एलिमेंट में वोल्टेज या करंट ज्ञात करने के लिए यदि आपको कहा जाता है तो आपको करना क्या है कि उसके अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दिए हैं उनमें से एक एक को लेते हुए, इंडिविजुअल सोर्सेज को लेते हुए उस ब्रांच में आपको वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करनी है. फिर सभी जो इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से जो आपने उस ब्रांच के अंदर करंट या वोल्टेज निकाला है उसका एल्जेब्रिक सम करना है. तो वो एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? जैसे कि सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स उस सर्किट में एक साथ काम कर रहे थे. यही आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम है. जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखाया है सुपरपोजिशन थ्योरम का, आप इसको लिख सकते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट कैलकुलेशन करने के लिए अप्लाई करते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए आपको अप्लाई नहीं करनी है. पावर कैलकुलेशन में ये वैलिड नहीं है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम अपन कैसे अप्लाई करेंगे सर्किट में और कैसे इंडिविजुअल सोर्सेस से उस किसी ब्रांच या ब्रांच में वोल्टेज या करंट निकालेंगे. तो इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हुए दूसरे वोल्टेज सोर्स को कैसे नॉन ऑपरेटिव करेंगे, अपन लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल. अब आपको ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर 3 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है. ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हुए करंट आपको कैलकुलेट करनी है. तो इसके अंदर देखिए आप दो सोर्स दिए हुए, एक तो वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक आपका करंट सोर्स है 5 एम्पियर का. अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल मतलब 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से करंट निकालनी है और 5 एम्पियर के करंट सोर्स से भी आपको करंट इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में निकालनी है. फिर दोनों करंट का आपको एल्जेब्रिक सम करना है. तो पहले अपन कंसीडर करते हैं 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स. तो जब ये अपन कंसीडर करेंगे 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स तो उस केस में इस 5 एम्पियर के जो करंट सोर्स का क्या करेंगे, इसको नॉन ऑपरेटिव करना है. तो उसको नॉन ऑपरेटिव कैसे करेंगे, इसको करंट सोर्स को नॉन ऑपरेटिव कैसे करते हैं, ओपन सर्किट से इसको ओपन सर्किट कर लेना है. तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका वापस सर्किट बनाया है जिसके अंदर केवल ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया है और इस करंट सोर्स को 5 एम्पियर को ओपन सर्किट कर दिया है. तो ओपन सर्किट करने से ये क्या ब्रांच हो जाएगी, ये पूरी जो ओपन हो जाएगी. तो अब आपके पास नेट जो सर्किट रह जाता है ये रह जाता है. तो इसमें क्लोज सर्किट एक ही है. तो पहले अपन 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट कैलकुलेट करते हैं. माना कि ये करंट I2 है, तो इस I2 करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल इसमें वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट ही है. तो 20 वोल्ट में अपन क्या करेंगे, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, इससे अपन दोनों साइड का डिवाइड कर दिया 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 3. तो ये करंट कितनी आती है,
2.5 एम्पियर, और करंट की डायरेक्शन क्या है, इस टाइप से, ये आउटवर्ड, ये जो है ना डाउनवर्ड करंट है, 3 ओम के रेजिस्टेंस में ये करंट कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर। अब अपन वापस क्या करेंगे, इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को, पहले अपन ने क्या किया, इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से करंट निकाले इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा जो वोल्ट सोर्स है इसमें करंट सोर्स है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके कारण इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी होती है वो निकालते हैं, और उस केस में इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिव, और नॉन ऑपरेटिव कैसे करना है, इसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो देखिए मैंने वापस इसका सर्किट बनाया है, वो सर्किट क्या है, ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, और यहाँ पे जो लिया था अपन ने, ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट इस पे है ना, इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो रजिस्टर क्या बच गया सर्किट में, क्या आ गया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, केवल ये वाला आ गया, और अब आपका सर्किट ये बचता है। तो अब इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर करंट सोर्स के द्वारा करंट कितनी होगी वो अपन निकालते हैं। माना कि ये करंट कितनी है, I5 है, इस I5 को कर, इस I5 को अपन कैलकुलेट करते हैं करंट को जो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो देखिए यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, ये 5 एम्पियर की करंट आ रही है, फिर यहाँ आके ये करंट क्या, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो जगह डिवाइड हो जाती है, तो ये करंट डिवीजन बन जाता है। तो करंट डिवीजन के फॉर्मूले से इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी हो जाएगी, टोटल जो करंट कितनी है, 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और डिवाइड बाई 3 प्लस 5, तो ये करंट कितनी आ जाती है, 3.125 एम्पियर। अब आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इंडिविजुअली जितने भी सोर्सेस है उनके द्वारा अपन ने करंट जो कैलकुलेट करी है उसका एल्जेब्रिक सम निकालने से वो करंट क्या हो जाएगी, जैसे कि दोनों सोर्स एक साथ इसमें काम कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, करंट इन दी 3 ओम रजिस्टर इज गिवन बाई I2 प्लस I5। I2 करंट क्या थी, ये 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से 3 ओम में जो करंट फ्लो हो रही थी वो थी, और I5 क्या थी, ये 5 एम्पियर के करंट सोर्स से 3 ओम के रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही थी वो थी, और दोनों का क्या किया, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम में मैंने सिंपल इसको प्लस कर दिया। प्लस क्यों किया, अब डायरेक्शन देखिए, 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से इसमें जो करंट की डायरेक्शन थी 3 ओम के रेजिस्टेंस में वो क्या थी, डाउनवर्ड, और 5 एम्पियर के करंट सोर्स से भी 3 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट क्या थी वो डाउनवर्ड थी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो करंट कितनी होगी, 5.625 एम्पियर, यही आपका आंसर है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या किया, दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं, जब कोई सर्किट दिया हुआ है और उसके अंदर नंबर ऑफ सोर्सेस, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स दो या दो से अधिक है, और केवल एक ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। यदि इस सर्किट के अंदर तीनों ब्रांच में, जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम के रेजिस्टेंस में यदि आपको करंट निकालनी होती है, और क्वेश्चन यदि ऐसा होता तो उस केस में सुपरपोजिशन थ्योरम सुइटेबल नहीं होती, अपन कोई दूसरा तरीका लेती। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इंडिविजुअल सोर्सेज के द्वारा किसी ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालते हैं और उसका एल्जेब्रिक सम इसके बराबर होगा, जैसे कि सारे सोर्सेज एक साथ काम कर रहे थे। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से किसी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम और है जो मैं आपको समझाता हूँ, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है और अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे कोई बाइलेटरल नेटवर्क दिया हुआ है, बाइलेटरल नेटवर्क मतलब टू पोर्ट का नेटवर्क है, जैसे एक पोर्ट ये है आपका ए बी और एक एक्स एंड वाई ये पोर्ट ये है। अब इसका स्टेटमेंट पहले आप देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, इन एनी ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क
इस नेटवर्क के अंदर किसी ब्रांच के अंदर यदि करंट आई है, जैसे ये जो अपन नेटवर्क लेते हैं उसकी ब्रांच कौन सी है, एक्स वाई, और उसके अंदर जो करंट आई है, तो करंट आई में क्या ले लेता हूँ, ये आई एल, ठीक है। ड्यू टू ए सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं भी दूसरी जगह, तो दूसरा वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, V1 कितना है 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट के कारण इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी है, आई एल है, इज इक्वल टू द करंट थ्रू द ब्रांच इन विच द सोर्स ओरिजिनली प्लेस्ड। अब अपन क्या करते हैं, ये ओरिजिनली जो सोर्स कहाँ प्लेस किया था, ए और बी के बीच में, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को यदि मैं इस ब्रांच में रिप्लेस कर देता हूँ, कौन सी ब्रांच, जो ओरिजिनली ब्रांच करंट की कौन सी थी, एक्स और वाई, इसमें यदि रिप्लेस कर देता हूँ, तो ओरिजिनली जो वोल्टेज सोर्स था उस ब्रांच के अंदर जो करंट ये आएगी आई बी, वो किसके इक्वल होगी, जो ओरिजिनल ब्रांच थी, ओरिजिनल जो करंट थी आई एल। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि आई एल और ए बी, आई ए बी इक्वल होगी। कैसे, जैसे ये सर्किट ले लिया आप, ये सर्किट क्या है, इस टाइप से सर्किट लिया, तो यहाँ वोल्टेज सोर्स है और यहाँ मैं करंट कैलकुलेट करता हूँ आई एल। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसी सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स को इस आई एल वाली ब्रांच के अंदर रिप्लेस कर दिया। अब इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो वोल्टेज सोर्स वाली जो ब्रांच थी, ये ब्रांच थी ए और बी, इसके अंदर मैं करंट कैलकुलेट करता हूँ, माना कि वो करंट ए बी है, तो ये करंट ए बी किसके इक्वल होगी, इस आई एल के इक्वल होगी। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, आई एल विल बी इक्वल टू आई ए बी। मतलब क्या समझ में आ गया, सोर्स एंड रेस्पॉन्स कैन बी इंटरचेंज, सोर्स और रेस्पॉन्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे सोर्स ये था 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, और रेस्पॉन्स क्या था, इसमें करंट क्या थी, आई एल थी, तो इनको इंटरचेंज कैसे कर दिया, इस 10 वोल्ट को मैं दी इसमें एक्स और वाई में लगा दूंगा, तो आई एल कहाँ फ्लो हो जाएगी, ए और बी के अंदर। तो सोर्स एंड रेस्पॉन्स कैन बी इंटरचेंज, दिस इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब अपन इस सर्किट के अंदर इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करते हैं। कैसे, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो अपन देखते हैं, तो इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखने के लिए देखिए, अपन पहले ये जो सर्किट लिया था, जो ओरिजिनल सर्किट अपना ये था, जैसे सर्किट नंबर 1, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सर्किट नंबर 1 और नेटवर्क नंबर 1। अब इस नेटवर्क नंबर 1 के अंदर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आई एल, आई एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो मैं इसका निकाल देता हूँ, जो यहाँ से अपने को दिखता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं इसका निकाल देता हूँ, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल वी वन है, तो यहाँ जो करंट आ जाएगी इसको मैं निशान दे देता हूँ, जैसे टोटल करंट ये मैं मान लेता हूँ कि आई है, तो पहले मैं आई कैलकुलेट करता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर वन है प्लस ये दोनों क्या सीरीज में है, आर टू और आर एल, और ये फिर उसके बाद क्या है, आर थ्री के साथ पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर थ्री पैरेलल विथ आर टू प्लस आर एल। तो मैं वैल्यू यदि निकाल देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन, आर वन की वैल्यू 2 ओम है और आर थ्री की वैल्यू कितनी है, ये 3 ओम है, और आर टू की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, और आर एल की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो आपके पास इस सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, 3.5 ओम। अब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3.5 ओम। तो ये सर्किट इस वोल्टेज सोर्स वी वन या 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से टोटल करंट कितनी ड्रॉ करता है, तो आई कितनी ड्रॉ करता है, टोटल करंट माना के आई है, तो आई कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3.5 ओम, तो 10 / 3.5 इक्वल टू ये करंट कितनी आ गई, 2.86 एम्पियर, ए एम्पियर आ गई। तो यहाँ कितनी आई कितनी फ्लो हो रही है, 2.86 एम्पियर। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ आई एल, तो ये आई जाके कहाँ हो जाती है, यहाँ दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके अंदर आर थ्री में
और इस आर एल में, तो आर एल की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ क्या बन जाता है करंट डिवीजन, तो आर एल की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट आई मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री डिवाइड बाई आर थ्री प्लस आर टू प्लस आर एल। तो ये कितनी वैल्यू होगी, टोटल करंट कितनी थी 2.86 मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री की वैल्यू कितनी है 3 ओम, आर थ्री की वैल्यू कितनी है 3 ओम प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है 1 ओम प्लस आर एल की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो ये टोटल करंट कितनी आ गई आपके पास, सॉरी आई एल करंट कितनी आ गई 1.43 एम्पियर। तो जब आपका वोल्टेज सोर्स इस ए और बी के बीच में लगा हुआ था, तब लोड रेजिस्टेंस 2 ओम के अंदर करंट आई एल कितनी फ्लो होगी 1.43 एम्पियर। अब अपन क्या करते हैं, इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को या एक्स और वाई में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ जोड़ दिया वी वन बराबर 10 वोल्ट और इसको यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स की जगह ये शॉर्ट सर्किट बन गया। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जब 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एक्स और वाई टर्मिनल के अंदर इसके साथ या आर एल के सीरीज में जोड़ दिया, तो ए और बी के बीच में ए टू बी कितनी करंट फ्लो होगी। तो ये माना कि ये करंट कितनी फ्लो हो रही है, ए बी, तो ए बी करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही वैसे जैसे इस सर्किट में किया था, इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा मैं, ये आर इक्विवेलेंट ऐसे यहाँ से जो दिखाई देता है वो आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए आप ये दोनों तो क्या आ गए, ये दोनों क्या आ जाएगी, ये पैरेलल में आ गए, ठीक है ना, और ये दोनों सीरीज में है। तो आर एल प्लस आर टू प्लस पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, आर वन और आर थ्री। तो इनकी वैल्यू मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, आर एल कितना है 2 ओम, आर टू कितना है 1 ओम और आर वन कितना है 2 ओम और आर थ्री कितना है 3 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी तो कितनी आ गई 4.2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4.2 ओम। अब मैं टोटल ये जो सर्किट है, ये जो वोल्टेज सो 10 वोल्ट से कितनी टोटल करंट ड्रॉ करता है, वो करंट मैं मान लेता हूँ, जैसे टोटल करंट मान ली मैंने आई डैश, तो ये आई डैश कितनी करंट हो जाएगी, टोटल वोल्टेज कितना है वी वन और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अपन डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वोल्टेज कितना 10 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4.2 ओम। तो ये करंट कितनी आ जाती है 2.381 एम्पियर। मतलब ये जो सर्किट है, इस वोल्टेज सोर्स से टोटल करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, आई डैश विल बी इक्वल टू 2.381 एम्पियर। अब मैंने को आपको करंट किस में निकालनी है, इस ए और बी में, आई ए बी कैलकुलेट करनी है। तो आई ए बी कैसे कैलकुलेट कर रहूँगा, यहाँ कितनी आ रही है आई डी एस, और उसके बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे करंट डिवीजन बन जाता है यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगी आई ए बी, इसके अंदर मैं करंट निकालूंगा तो टोटल करंट आई डैश मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री डिवाइड बाई आर थ्री प्लस आर वन। तो कितनी टोटल करंट कितनी थी 2.381 मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइड बाई आर थ्री की वैल्यू 3 है और आर वन की वैल्यू कितनी है 2। तो ये यदि मैं कैलकुलेट करूँगा करंट, तो कितनी आ गई आई ए बी इज इक्वल टू 4.13 एम्पियर। तो दोनों ही केस में इसका मतलब क्या थी, आई एल की वैल्यू कितनी आई 1.43 एम्पियर और आई ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1.43 एम्पियर। तो दोनों ही वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या क्या अपन ने इस सर्किट के अंदर जो दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो सोर्स है और ये आई एल रेस्पॉन्स है, दोनों को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे जहाँ रेस्पॉन्स था वहाँ तो अपन मैंने सोर्स जोड़ दिया, और जहाँ सोर्स था वहाँ मैंने रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर दिया, तो दोनों ही करंट इक्वल आ रही है। तो ये आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से किसी भी सर्किट के अंदर रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, उसको सत्यापित कैसे करना है, तो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि एक सुपरपोजिशन थ्योरम से अपन सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं और रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सर्किट में कैसे प्रूव करते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा,
कल नेक्स्ट जो यूनिट जो आप लेक्चर लेंगे उसमें मैं आपको दूसरी थ्योरम के बारे में समझाऊंगा।